बेलमेंट क्या था बताओ? बेलमेंट हमने किया था, क्या था बेलमेंट में? बेलमेंट में क्या होता है, हम अपने गुड्स किसी को देते हैं, वो यूज करता है, देन फिर वो हमको क्या करता है, रिटर्न करता है। ऐसा कुछ किया था हमने, याद आ रहा है नहीं आ रहा है? यस दो पार्टीज होते हैं, बेलर और बेली, है ना? ये शॉर्टकट में क्या होता है, डिलीवरी होती है मूवेबल गुड्स की, गुड्स डिलीवर किए जाते हैं, हम या तो अपने फ्रेंड्स को देते हैं यूज करने के लिए, या तो हम जैसे टेलर वगैरह के पास जा रहे हैं कुछ गुड्स के लिए, तो हम उसको गुड्स दे रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, तो ये होता है बेलमेंट। आगे देखो, प्लेज। प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना, याद रखना। प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना, सबसे शॉर्टकट मीनिंग प्लेज का। देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 172 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द बेलमेंट ऑफ गुड्स, जो हम गुड्स करते हैं ना, बेलमेंट से ही स्टार्ट होगा, फॉर रीपेमेंट ऑफ अ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। द बेलर इन दिस केस इज कॉल्ड द पॉनर एंड द बेली इज कॉल्ड पॉनी। क्या होता है, जब हम गुड सामने वाले को दे के आ रहे हैं, लेकिन काय के लिए, गिरवी रखने के लिए। देखो, दोनों में ट्रांसफर ऑफ गुड्स होता है, बट जो बेलमेंट में क्या होता है, हम गुड्स को किसी पर्पस के लिए देते हैं। सपोज हम कारपेंटर हैं, तो वो हमको उसका फर्नीचर बना के देगा। अगर टेलर को दे रहे हैं, तो वो उसके गुड्स बना क्या ड्रेस बना के देगा। या अगर हम ड्राई क्लीन के लिए दे रहे हैं, तो हमको गुड्स ड्राई क्लीन होके मिलेंगे। तो उसमें एक पर्पस होता है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स होता है, डिलीवरी ऑफ गुड्स। लेकिन प्लेज में क्या होता है, जब हम अपना कोई सामान दूसरे को देते हैं, तो हम उसके बदले उससे क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं। तो उसमें एक डेब्ट अराइज होता है। पर्पस दोनों में क्या है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो रहा है, लेकिन उसमें किसी काम के लिए देते हैं, करने के लिए वो काम हो जाता है। और इसमें हम गुड्स क्यों देते हैं, गिरवी रखने के लिए, ताकि हमको क्या मिल सके, उसके बदले ब्याज मिल सके, लोन मिल सके, डेब्ट मिल सके। तो जो बेलर होगा इस केस में पॉनर, और जो बेली होगा पॉनी। क्लियर है मीनिंग में? यस मैम। आगे देखो, डिफरेंस बिटवीन, देखो प्लेज में क्या होता है, ये एक सिक्योरिटी का काम करता है। मतलब हम गिरवी रख रहे हैं, तो किसके लिए काम करता है, डेप्ट के लिए। और इसमें क्या होता है, किसी पर्पस के लिए होता है, या तो कुछ रिपेयरिंग के लिए, या सेफ कस्टडी के लिए। आगे देखो, द प्लेज इज राइट टू सेल। हाँ, लेकिन जब प्लेज में क्या होता है, अगर सामने वाला पैसा नहीं दे पाया और उसने जो गिरवी रखा है, तो हम उसको बेच सकते हैं, सेल है ना। और इसमें सेल नहीं कर सकते, अगर वो आपको पैसे नहीं दे रहा है, आपकी सर्विस के, तो आप बेच नहीं सकते हैं उसके सामान को। आगे देखो, फीचर्स, डिलीवरी होनी चाहिए पोजीशन की, कॉन्ट्रैक्ट के उस पे काम पे होना चाहिए। डिलीवरी शुड बी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पर्पस फुलफिल होना चाहिए। और डिलीवरी शुड बी अपॉन कंडीशन टू रिटर्न, रिटर्न करने की कंडीशन होनी चाहिए। ये चारों कंडीशन आप लोग अच्छे से याद रखना। डिलीवरी ऑफ पोजेशन मतलब ओनरशिप, राइटशिप जाएगा। डिलीवरी शुड बी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, फिर डिलीवरी शुड बी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी, फिर डिलीवरी शुड बी अपॉन कंडीशन टू रिटर्न। किसी को डाउट है? नहीं तो आगे देखो, बोलो मु आगे बढ़े। यस मैम। अब देखो इसमें नेक्स्ट, यस ड्यूटी टू रिपे द लोन, नेक्स्ट ड्यूटी टू पे एक्सपेंसेस इन केस ऑफ डिफॉल्ट। किसकी ड्यूटी? पॉनर की। लोन उसको रिपे करना ही पड़ेगा, उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी। और एक्सपेंसेस, अगर सामने वाले को तुम्हारी सिक्योरिटी को मेंटेन करने की वजह से कुछ एक्सपेंस आते हैं, वो, या फिर
आप उसका लोन का अमाउंट पे नहीं कर पा रहे हो, तो सामने वाले को आपसे वसूल करने में जितने एक्सपेंसेस लगे होंगे वो सारे के सारे एक्सपेंसेस, ड्यूटी टू पे एक्सपेंसेस। नेक्स्ट देखो, नॉट टू यूज ऑफ प्लेज्ड गुड्स और ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स। जिसके पास गिरवी रखा है, पॉनी, दो पार्टीज, पॉनर और पॉनी, ड्यूटी नॉट टू यूज ऑफ प्लेज्ड गुड्स एंड ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स। आगे देखो इसको, राइट्स, राइट टू रिडीम द गुड्स प्लेज्ड। उसने जो गुड्स गिरवी रखे हैं वो रिडीम मतलब वापस लेना, उसके पास राइट है कि वो गुड्स को क्या कर सके, रिडीम कर सके। फिर क्या लिखा है, राइट टू रिसीव द इंक्रीज। जैसे मैंने एक काऊ वाला एग्जाम्पल दिया था, अगर गांव वगैरह में क्या होता है, विलेजेस में लोग अपने गाय भैंस कैटल्स इन सब को गिरवी रखते हैं, तो गिरवी रखने के बाद अगर काऊ उसको बच्चा हो गया तो राइट टू रिसीव द इंक्रीज, तो वो उसको बच्चा उसका वापस मिलेगा। ठीक है, आ रहे समझ में, राइट्स ऑफ ऑनर। राइट्स ऑफ पॉनी देखो, राइट टू रिटेन द प्लेज्ड गुड्स, जो गुड्स गिरवी रखे गए उसको रखने का उसको पूरा राइट है। राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस अगर वो खर्चे करता है उसको मेंटेन करने का। राइट इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ द पॉनर, अगर पॉनर पैसे नहीं दे पाता है तो वो उसका ओनर बन जाएगा या फिर वो उसको सेल कर सकता है गुड्स को। बताओ कोई डाउट है प्लेसमेंट में? नो मैम। देखो अब एक चीज इसमें नोटिस करो आप लोग,